गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पोयम व्हाट इफ. व्हाट इफ का मींस है अगर ऐसा हो तो क्या हो. ठीक. आर देयर टाइम्स व्हेन योर माइंड फिल्स विद फियर. ये वो टाइम है जब हमारा जो दिमाग है पूरी तरीके से डर में हो. Have you ever thought, what if something dangerous happens to me or the people around me? क्या कभी ऐसा सोचा है कि मेरे साथ बुरा क्या हो जाएगा या जो मेरे आसपास लोग हैं उनके साथ क्या बुरा होगा. What if the world stop revolving around the sun? अगर दुनिया सन के चारों तरफ घूमना ही बंद कर दे तो क्या होगा. What if the sun doesn't rise in the morning? सूरज अगर सुबह में निकलेगा ही नहीं तो क्या होगा. Here is a poem which talks about some more such what ifs. ये जो poem है ये यही बता रही है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा. ठीक है. मतलब ये एक poem की जो story है ये जो poetess हैं वो खुद ही बता रही हैं कि वो क्या feel करती हैं और जब उनके दिमाग में एक डर आता है कि अगर ऐसा हुआ तो कैसा होगा. ठीक. तो इस poem में हम यही पढ़ेंगे कि वो क्या क्या सोचती हैं. Last night while I lay thinking here, some what ifs crawl inside my ear. जब वो रात में लेटने के लिए बिस्तर अपने बेड पे लेटी तब उनके दिमाग में कुछ crawl inside my ear. कोई चीज़ उनके दिमाग में कान के अंदर गई. And pressed and partied all night long. और यही जो questions थे जो ये डर था वो उनके कान में अंदर की तरफ गया और उन्हें बहुत सारे क्या आए उस टाइम questions आए जो पूरी रात वहाँ पर उन्होंने क्या करी पार्टी करी. And sang their same old what if song. और वही questions उनके कान में आए और पूरी रात उन्होंने पार्टी करी और वही ये questions क्या कर रहे हैं पूछ रहे हैं. वही सेम questions जो उनको हमेशा आते हैं. What if I dumb in school? अगर मैं स्कूल में dumb हो गई weak हो गई तो क्या होगा. What if they have closed the swimming pool? अगर swimming pool को बंद कर दिया जाएगा तब क्या होगा. What if I get beat up? मुझे पीटा जाएगा तब क्या होगा. वॉट इफ़ अगर ऐसा होगा तो क्या होगा. वॉट इफ़ देयर्स पॉइजन इन माई कप. अगर किसी ने मेरे कप में जहर डाल दिया तो क्या होगा. अगर ऐसा हुआ किसी ने मेरे कप में जहर डाल दिया. अगर ऐसा हुआ किसी ने मुझे पीट दिया. अगर ऐसा हुआ कि स्विमिंग पूल बंद हो गए. अगर ऐसा हुआ कि मैं स्कूल में वीक हो गई. वॉट इफ़ आई गेट सिक एंड डाई. अगर ऐसा हुआ कि मैं बीमार हुई और मर गई. वॉट इफ़ आई फ्लंक दैट टेस्ट. वॉट इफ़ ग्रीन हेयर ग्रोज ऑन माई चेस्ट. अगर हरे हरे बाल जो हैं वो मेरे चेस्ट पर निकल आए. वॉट इफ़ नो बडी लाइक्स मी. अगर ऐसा हुआ कि कोई मुझे पसंद ही ना करे. वॉट इफ़ अ बोल्ट ऑफ लाइटिंग स्ट्राइक्स मी. अगर मेरे ऊपर बिजली गिर जाएगी. वॉट इफ़ आई डोंट ग्रो टॉलर. क्या होगा अगर मैं बड़ी नहीं होंगी तो. वॉट इफ़ माई हेड स्टार्ट्स गेटिंग स्मॉलर. अगर ऐसा हुआ कि मेरा सर छोटा हो गया. What if the fish won't bite? जो मछली है उसने काटना बंद कर दिया. What if the wind tears up my kite? हवा मेरी पतंग को फाड़ना शुरू कर देगी. What if they start a war? अगर युद्ध छिड़ गया तो क्या होगा. What if my parents get divorced? अगर मेरे पेरेंट्स ने मेरे माता पिता ने तलाक ले लिया तो. What if the bus is late? तब क्या होगा जब बस जो है वो लेट आएगी. What if my teeth don't grow in straight? अगर मेरी टीथ जो है वो सही से ग्रो नहीं करेंगे टेढ़े मेढ़े ग्रो कर जाएंगे तो क्या होगा. What if I tear my pants? अगर मैं अपनी अगर ऐसा हो कि मैं पैंट अपनी फाड़ दूँ. What if I never learn to dance? अगर मुझे डांस याद ही ना हो तो. Everything seems swell and then the night time what if strike again? सेम वही चीज़ जब एक बार रात आती है उसके दिमाग में यही सब आता है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा. अगर ये सब चीज़ें मेरे साथ होंगी तब क्या होगा मेरे साथ. उसके दिमाग में यही चीज़ें चलती रहती हैं और वो यही चीज़ें सोचती रहती है. मैं रिपीट कर रही हूँ पोएम को. लास्ट नाइट वाई आई ले थिंकिंग हियर सम वॉट इफ क्रॉल इन साइड माई ईयर and pranced and partied all night long and sang their same old what if song. What if I am dumb in school? What if they have closed the swimming pool? What if I get beat up? What if there is a poison in my cup? What if I start to cry? What if I get sick and die?
What if I flunk the test? What if green hair grow on my chest? What if nobody likes me? What if a bolt of lightning strike me? What if I don't grow taller? What if my head starts getting smaller? What if the fish won't bite? What if the wind tears up my kite? What if they start a war? What if my parents get divorced? What if the bus is late? What if my teeth don't grow in straight? What if I tear my pants? What if I never learn to dance? Everything seems swell and then the night time, what if strike again? सब कुछ सुबह में जब वो उठती है सब कुछ नॉर्मल ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है जैसा वो सोचती है. बट अगेन जब रात होती है दोबारा से वही चीज़ उसको, सब वही चीज़ वो सोचती है. जैसे कभी कभी हम भी ऐसा सोचते हैं कि अगर कल मैं स्कूल जाऊँ और कॉपी भूल जाऊँ तो क्या होगा, मैडम क्या रिस्पॉन्स देंगी. तो हमारे दिमाग में जो चल रहा होता है वो हमें कहीं ना कहीं जब हम लेटे होते हैं तो हमें वो चीज़ें अपने दिमाग में आती हैं. तो ऐसी इमेजिनेशन ये पॉइंट्स भी अपने दिमाग में रखी हुई हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा. जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में बोला कि जो हमारा वर्ल्ड है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाना बंद कर देगा तो क्या होगा. तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी हमारे दिमाग में भी आते हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा. तो ये क्वेश्चन जो हैं वो नेचुरली चीज़ें हैं, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं दिमाग में. इनसे रिलेटेड नहीं तो कुछ और हमारे दिमाग में आता है. कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि जैसे कि अरे यार मैं कॉपी ले ही आता तो ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो ऐसा होता और ऐसा नहीं होता, ऐसे सिंपली क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते ही आते हैं. जैसे कभी हम बस गए, बस पकड़ने गए, मान लो इनकेस हम लेट हो गए तो हमें ये भी आता है कि अगर हम जल्दी आ जाते तो ऐसा होता ही नहीं. और ये भी आता है कि हम जल्दी पहुँच जाएँ वरना तो बस छूट जाएगी, ऐसा भी हो सकता है. तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे माइंड में स्ट्राइक होते ही होते हैं क्योंकि वो हम सोचते हैं और जो हम सोचते हैं वो एक्चुअली हमारे दिमाग में रहते हैं. क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाना बंद कर देगी, बट फिर भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात स्ट्राइक हो रही है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा. हमारे तो मेन क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा. तो हम ये भी सोच लेते हैं अच्छा अगर ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा. ठीक है, जैसे अब हमने कोरोना काल के बारे में कभी सोचा ही नहीं था लेकिन फिर भी अब कोरोना है, हम लोग घर बैठे हैं, ऐसा होगा. अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन और स्ट्राइक हो रहा होगा कि अगर आगे भी कभी ऐसी कोई बीमारी आएगी तो क्या ऐसा ही होगा. ठीक है, क्योंकि वो हमारा माइंड सेट होता है, हमारा माइंड हमें मजबूर करता है सब सोचने पर. तो ऐसे ही जो ये पॉइंट्स हैं उनके दिमाग में भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और वो उन्होंने हमसे शेयर किए कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि मेरे पर बिजली गिर जाए, मेरे दांत टेढ़े मेढ़े निकलना शुरू हो जाएँ और ग्रीन कलर के हेयर मेरे चेस्ट पे आ जाएं और मैं मर जाऊं, पहले मैं बीमार हो जाऊं और उसके बाद मैं उस बीमारी से मर जाऊं, कोई मेरे चाय में जहर डाल दे, ऐसे सारे क्वेश्चन उसके दिमाग में आते हैं. ठीक है, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, इसमें कौन बात कर रहा है, कौन बता रहा है अपने बारे में. तो जो खुद पोइटेस हैं शेल सिल्वरस्टीन, वो खुद अपने बारे में बता रही हैं, अपने ही पॉइंट्स ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर रही हैं. विद योर पार्टनर लिस्ट आउट हैपनिंग द स्पीकर इज़ वरीड अबाउट, मतलब अपने पार्टनर के साथ हमें डिस्कस करना है कि जो वो डर किस चीज़ से रही हैं. तो वो डर किस चीज़ से रही हैं, वो काफ़ी चीज़ों से डर रही हैं कि कभी कोई उनके कप में जहर डाल दे, कोई स्विमिंग पूल बंद कर दे, कोई उन्हें पीट दे, या जो बिजली है वो उनके ऊपर गिर जाए, उनके दांत टेढ़े मेढ़े निकल आए. उनकी बहुत सारी दिक्कतें हैं उनके साथ जिससे वो डर रही हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा. और वो छोटी रह जाएंगी, ग्रो नहीं करेंगी, उनका जो सर है वो क्या हो जाएगा, वो सर जो है उनका क्या हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा. तो काफ़ी चीज़ें हैं जो उनको परेशान कर रही हैं. वाई डू यू थिंक शी ही हैज़ दीज वरीज़, कैन यू थिंक ऑफ वे टू गेट रिड ऑफ सच वरीज़. वो बोल रहे हैं कि क्यों वो इतना इन चीज़ों से परेशान हो रही हैं, क्या हम कोई तरीका उन्हें बता सकते हैं कि वो इन चीज़ों से दूर हो जाएं. सिंपली वो उनके दिमाग की इमेजिनेशंस हैं सब कुछ कि अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा, तब क्या होगा अगर उनके साथ ऐसा हुआ तो. तो सब कुछ वो इमेजिनेशन में ही सोच रही हैं. हम उनको यही एडवाइस दे सकते हैं कि वो ऐसी इमेजिनेशन ना रखें क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये हमारी इमेजिनेशन होती है. कभी कभी हमारे साथ भी होता है, अगर कहीं थंडर लाइटनिंग होती है तो हमें भी लगता है कि चलो अंदर चले जाओ, कभी बिजली हमारे ऊपर गिर जाए. ठीक है, इतने बीमार हो जाते हैं तो हमें भी लगता है कि शायद अब हो सकता है कि हमारी डेथ हो जाए. बट हम उनको ये एडवाइस देंगे हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि जो होना है वो तो होना ही है.
तो ये चीज़ों पे फोकस ना करके हमें पॉजिटिव बातों पर फोकस करना चाहिए। ठीक, तो हम उनको ये एडवाइस दे सकते हैं जो उनकी परेशानियाँ हैं उनको इस तरह से दूर कर सकते हैं। ठीक, ये आपकी पोएम थी व्हाट इफ़, अगर ऐसा हो तो क्या होगा। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।